वर्ल्ड का अर्जुन अभी खुद से परेशान था कि तभी उसके पापा यानी कि उसी पैरेलल वर्ल्ड का देव वहां पर आया। उसने अर्जुन से कहा, देख बेटा अर्जुन, मैंने तेरे लिए पास के शॉपिंग मॉल में एक जॉब ढूंढ ली है, इसलिए अब हमें घर के खर्च मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तू वहां जॉब तो करेगा ना? देव बहुत एक्साइटेड होकर अर्जुन से पूछता है। वो पापा मैं वो जॉब वहां, थोड़ा अटकते हुए अर्जुन देव से कहता है, वो क्या कर रहा है? साफ साफ क्यों नहीं बोलता, क्या बात है? देव अर्जुन से एक तेज आवाज में कहता है। अर्जुन थोड़ी देर रुकने के बाद अपने पिता देव से कहता है, पापा मैं अगर शॉपिंग मॉल में काम करता हूं तो मेरे कॉलेज की स्टडी में डिस्टर्बेंस हो जाएगी, तो शायद मैं जॉब न कर पाऊं। अर्जुन रूठे मन के साथ देव से कहता है, जिसे सुन देव और भी ज्यादा चौंक जाता है। क्या तू शॉपिंग मॉल में जॉब नहीं करेगा? थोड़ा गुस्से में आकर देव अर्जुन से आगे कहता है, अच्छा ठीक है, तू शॉपिंग मॉल में जॉब मत कर, लेकिन तुझे मेरे साथ गैराज में काम जरूर करना पड़ेगा। यहां काम करने से तुझे फायदा ही है, क्योंकि यहां काम करने के बाद तू कॉलेज भी जा सकता है, साथ ही कॉलेज जाने के लिए तेरी इनकम भी हो जाएगी, देव अर्जुन से कहता है। इसके बाद देव की बातों को लेकर अर्जुन सोचने लगता है, शॉपिंग मॉल में काम करने से अच्छा मैं अपने पापा के साथ गैराज में काम कर लूं, कम से कम मेरे कॉलेज स्टडी का नुकसान तो नहीं होगा। अपने मन में अर्जुन ऐसा कह ही रहा होता है कि इतने में अर्जुन को अपने ख्यालों में खोया देख देव अर्जुन से कहता है, ओ हीरो, कहां ख्यालों में खो गया है? मैंने तेरे सामने जॉब के दो ऑप्शन रखे हैं, गैराज या शॉपिंग मॉल में जॉब, बता दे से कहां जॉब करेगा, और अगर कहीं नहीं तो फिर खुद का जुगाड़ कर ले, अगले महीने से मैं एक पैसे नहीं दूंगा, देव अर्जुन से कहता है। पैसे नहीं मिलेंगे ये सुनते ही अर्जुन डर जाता है और तपाक से कहता है, गैराज, मैं गैराज में काम कर लूंगा पापा, साथ ही आपकी मदद भी हो जाएगी। चल ठीक है, अगर तू मेरे साथ गैराज में काम करने के लिए तैयार है तो मैं ये काम करने वाले लड़के राकेश को शॉपिंग मॉल में जॉब करने के लिए कह देता हूँ, ठीक है? देव अर्जुन से कहता है। ठीक है पापा, आप राकेश से कह दीजिए। उसके बाद पैरेलल वर्ल्ड के देव और अर्जुन अपने घर के अंदर जाने लगते हैं। मुझे लगता है जल्दी से मुझे भी यहां से निकल जाना चाहिए, कार के पीछे छुपा हुआ अपना अर्जुन खुद से बातें करता है। साथ ही पैरेलल वर्ल्ड के देव और अर्जुन के अंदर जाने के बाद अपना अर्जुन भी छुपके से कार के पीछे से निकलकर वहां से बाहर की ओर चले जाता है। एक ओर अर्जुन पैरेलल वर्ल्ड में चला गया है, तो वहीं इधर दूसरी ओर एलियंस टीम मेंबर रोमा और लाइका अपने स्पेसशिप के अंदर मौजूद है, जहां उनके साथ मौजूद है घायल क्लोन अर्जुन, जिसे एक कांच के बॉक्स के अंदर रखा गया है। यहां अर्जुन की हालत अभी भी नाजुक है, उसकी बॉडी से अभी भी ब्लू कलर की लाइट बाहर निकल रही है, और यहां तक कि अर्जुन की बॉडी से उसकी खाल अब धीरे धीरे पूरी तरह उतरने लगी है, जो सच में एक गहरा चिंता का विषय है। लेकिन जिसे रोमा और लाइका सुपर अर्जुन समझ रहे हैं वो असल में अर्जुन न होकर उसका क्लोन है। मुझे लगता है डॉक्टर जूल को यह पता चल चुका है कि हम धरती पर आ गए हैं, इसलिए तो उसने हमारे पीछे अपने क्रिएशन लगा दिए, लाइका ने कहा। हाँ, और हो सकता है कि अभी भी डॉक्टर जूल हम पर अपनी नजर गड़ाए हो, रोमा ने जवाब दिया। लाइका और रोमा डॉक्टर जूल के बारे में अभी ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक उस स्पेसशिप में हलचल होनी शुरू होती है। स्पेसशिप की उस हलचल को देख रोमा और लाइका चौंक उठते हैं। ये हलचल कैसी टीम है, कहीं हम इस बार किसी नई मुसीबत में तो नहीं पड़ने वाले, लाइका ने पूछा। हाँ, मुझे भी यही लगता है लाइका, कि हमारे ऊपर शायद किसी ने हमला कर दिया, हमें इस स्पेसशिप से बाहर जाकर देखना होगा, रोमा ने परेशान होते हुए कहा। अगले पल लाइका और रोमा अपने स्पेसशिप से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आकर दोनों देखते हैं कि एक अजीब सा शैतान उन दोनों का बेसब्री से बाहर इंतजार कर रहा है। वो शैतान कोई और नहीं बल्कि आरव है, जो डॉक्टर जूल के साथ रहकर अब पूरी तरह शैतान बन चुका है। उसे अपने सामने खड़ा देख रोमा और लाइका अपनी सुपर पावर से उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन जवाब में आरव भी रोमा और लाइका के ऊपर अपनी पावर से हमला करता है। थोड़ी देर बाद इस लड़ाई में धीरे धीरे रोमा और लाइका अब आरव के ऊपर हावी होने लगते हैं। अगले ही पल एक और तेज सुपर पावर का वार आरव को थोड़ा बहुत घायल कर देता है। अब जैसे तैसे आरव हिम्मत करके दोबारा से खड़ा होता है रोमा और लाइका के ऊपर अटैक करने के लिए। इस बार वो रोमा और लाइका के ऊपर हमला नहीं करता, बल्कि इस बार वो उन्हें देखकर हंसने लगता है। अगले पल रोमा और लाइका देखते हैं कि आरव के ठीक पीछे से काफी सारे खूंखार डेविल्स निकल कर आए। क्या रे, मैं कोई ऐसा वैसा शैतान नहीं, अपनी झुंड से वार करता हूं मैं, हंसते हुए आरव कहता है। ये सभी हंकार और हंकार की फौज के कुछ डेविल्स हैं, जो इस बार एलियंस को खत्म करने के लिए आए हुए हैं, जिनकी संख्या यूं ही कुछ 15 के आसपास है। हंकार के उन खूंखार डेविल्स ने आरव के साथ रोमा और लायका को चारों ओर से घेर लिया है। अब क्या करें, ये तो इतने सारे हैं, लायका कहती है। अभी इस वक्त यहां से जाना ही सही रहेगा, रोमा कहता है। रोमा और लायका इससे पहले कुछ कर पाते कि वहां पर हरे रंग का धुआं उठने लगता है, और फिर उस हरे रंग के धुएं के साथ लायका और रोमा गायब हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एलियंस का स्पेसशिप अकेला है, जिसके अंदर मौजूद है क्लोन अर्जुन। इसी बात का फायदा उठाकर डॉक्टर जूल अपने शैतानी रूप में वहां पर प्रकट होता है। अर्जुन, सुपर अर्जुन, अब क्या करोगे, डॉक्टर जूल कहता है और अपनी पावर्स को याद करने लगता है। अगले पल वो अपनी शैतानी शक्तियों से उस स्पेसशिप को तोड़ देता है। फिर उस स्पेसशिप के अंदर जाकर डॉक्टर जूल क्लोन अर्जुन के नजदीक जाता है, जिसे वो अभी भी सुपर अर्जुन ही समझ रहा है। डॉक्टर जूल सुपर अर्जुन को बड़े गौर से देखता है, उसकी खाल धीरे धीरे उसके शरीर से निकल रही है, साथ ही उसकी बॉडी से लगातार ब्लू कलर की लाइट भी बाहर निकल रही थी। धीरे धीरे डॉक्टर जूल उसके नजदीक जाता है और अपने हाथ से क्लोन अर्जुन को छूता है, तभी वो पूरी तरह हैरान हो जाता है। ये कैसे पॉसिबल है, जिसे मैं अभी तक सुपर अर्जुन समझता आया था, ये तो सुपर अर्जुन नहीं है। इसका मतलब जो मैंने काफी साल पहले किया था, मेरे उस फार्मूले को किसी ने चुरा कर उसका क्लोन बना दिया है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब सुपर अर्जुन का क्लोन यहाँ है तो फिर सुपर अर्जुन कहाँ है?
कहां है सुपर अर्जुन? खुद से सवाल करते हुए डॉक्टर जूल कहता है और स्पेसशिप को अंदर से तोड़ने लग जाता है। आरव दूर खड़ा यह सब देख रहा था। जब थोड़ी देर बाद डॉक्टर जूल का गुस्सा शांत हुआ तो उसने क्लोन अर्जुन को देखते हुए कहा, चलो सुपर अर्जुन ना सही, उसका क्लोन तो है, अब उसका क्लोन मेरे काम आएगा और फिर मैं इसका इस्तेमाल करूंगा अच्छाई के खिलाफ और तुम्हारे खिलाफ सुपर अर्जुन। कहते हुए डॉक्टर जूल क्लोन अर्जुन के ऊपर अपनी शैतानी पावर का इस्तेमाल करता है। फिर उसके बाद क्लोन अर्जुन समेत खुद डॉक्टर जूल भी गायब हो जाता है। क्लोन अर्जुन को गायब कर डॉक्टर जूल उसे अब अपनी लेबोरेटरी में ले आया है, जो उसका सीक्रेट लेबोरेटरी पानी की गहराइयों में है। लेकिन उस लेबोरेटरी में डॉक्टर जूल अकेला नहीं है, क्योंकि अब उसके साथ वहां पर आरव भी आ चुका है, जो अभी तक एलियंस का सामना कर रहा था, और बेहोशी की हालत में आकाश भी है। तुम्हें इस तरह देखकर अच्छा लगा, और अब तुम्हें भी अच्छा लगेगा ये जानकर कि तुम आज से मेरे गुलाम बनोगे, बुराई के बादशाह डॉक्टर जूल के गुलाम। एक बार एक अजीब सी हंसी हंसते हुए डॉक्टर जूल कहता है, बुराई की ताकतों में एक नया इजाफा हुआ है आज। आज से सुपर अर्जुन बुराई के लिए काम करेगा, आरव ने कहा। जो तुम देख रहे हो आरव, वो अभी सच नहीं है। जिसे तुम अभी तक सुपर अर्जुन समझने की भूल कर रहे हो, वो असल में सुपर अर्जुन ना होकर उसका क्लोन है, डॉक्टर जूल ने कहा। और उसकी बात सुन आरव पूरी तरह से हैरान हो गया। अगर ये सुपर अर्जुन ना होकर उसका क्लोन है तो फिर सुपर अर्जुन कहां है? आरव ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। ये तो मुझे भी नहीं पता कि सुपर अर्जुन अभी कहां है, लेकिन अब वो जहां भी हो मुझसे ज्यादा देर तक बचकर नहीं रह सकता, क्योंकि अब मैं उसके क्लोन को दुनिया के सामने बुराई का मसीहा बनाकर इस्तेमाल करूंगा, जिसका काम होगा इस दुनिया में शैतानी ताकतों को बढ़ाना, डॉक्टर जूल ने अपना भविष्य देखते हुए कहा। जिसके तुरंत बाद आरव ने भी उसका साथ देते हुए कहा, हाँ उसके बाद लोग अच्छाई के मसीहा अर्जुन से नफरत करने लगेंगे और धीरे धीरे ये दुनिया वाले उसके खिलाफ विद्रोह कर देंगे, फिर हम मौका पाकर पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लेंगे। आरव ने अभी इतना कहा ही था कि तभी डॉक्टर जूल ने आरव का कॉलर पकड़ते हुए कहा, हम द इडियट, मैं द ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर जूल दुनिया का बादशाह बनेगा, डॉक्टर जूल ने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा। इधर दूसरी तरफ पैरेलल वर्ल्ड में अर्जुन ने सोचा तो था कि टाइम मशीन बनाकर वो पास्ट में चला जाएगा और पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक कर देगा ताकि फ्यूचर में लाखों लोगों की जान बच सके, लेकिन वो पास्ट में जाने की बजाय पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच गया, जिसका कारण टाइम मशीन में आई कुछ खराबी थी। अर्जुन अब उस जगह से निकलकर बाहर आ चुका है जहां इस दुनिया के उसके माता पिता रहा करते हैं। अर्जुन अपने मन में अभी कुछ सोच रहा है, तभी सामने से आ रहा एक आदमी उससे टकराता है और उसे टकराते ही अर्जुन अपनी सोच से बाहर आ जाता है। सॉरी सॉरी, अर्जुन ने कहा। जवाब में उस आदमी ने भी सॉरी कहा और आगे बढ़ गया। तभी अचानक अर्जुन की नजर नीचे रोड पर पड़ी। अर्जुन ने रोड में देखा कि वहां पर एक नोट पड़ा हुआ है। अर्जुन ने उस नोट को बगैर उसे ध्यान से देखे हुए उठाया। लगता है यह नोट उस आदमी की जेब से गिरा हुआ जो अभी अभी मुझसे टकरा है, अर्जुन ने अपने मन में कहा। अगले ही पल अर्जुन वापस पीछे की ओर मुड़ा और उस आदमी को ढूंढने लगा जिससे कि अभी वो टकराया था। अरे अभी अभी तो यही था, लेकिन अभी कहां चला गया? अर्जुन ने चारों ओर देखा और काफी कोशिश की उस आदमी को तलाशने की, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। तभी अर्जुन ने उस नोट को थोड़ा ध्यान से देखा। उस नोट पर गांधी जी की फोटो होने के बजाय किसी और की फोटो थी जो उसके लिए अनजान थी। अर्जुन पहले तो उस नोट को देखता रहा, फिर आखिरकार उसे पूरी तरह विश्वास हो गया कि एक अलग दुनिया है। मैं कितना पागल हूं, ये भूल गया कि मैं अभी अपने वर्ल्ड में नहीं हूं, बल्कि मैं तो अल्टरनेट वर्ल्ड में आ चुका हूं। ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी अल्टरनेट वर्ल्ड में जा पाऊंगा। पता नहीं अब आगे और क्या क्या देखना होगा मुझे, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अर्जुन बोला। जो नोट अर्जुन को नीचे गिरा मिला वो था 1100 रुपए का नोट, जो कि बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो 1100 का नोट होता ही नहीं, बल्कि ये तो पैरेलल वर्ल्ड है जहां रियल वर्ल्ड से उल्टी चीजें होती है। जो चीजें रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं वो इस वर्ल्ड में पॉसिबल है। इसके बाद अर्जुन को भूख का एहसास होता है और वो वहीं एक ढाबे में चला जाता है। तकरीबन आधे घंटे बाद खाना खाकर अर्जुन ढाबे के मालिक को बिल पेमेंट करता है। अर्जुन 1100 रुपए के नोट को ढाबे के मालिक को देता है, जो उसे अभी कुछ देर पहले ही नीचे रोड पर गिरा मिला था, जिसके जवाब में ढाबे का मालिक अर्जुन को 1095 रुपए वापस देता है। अरे भाई साहब, लगता है आपने मुझे ज्यादा रुपए वापस कर दिए। अर्जुन, मुझे लगता है तुम विदेश से हो इसलिए तो ऐसी बातें कर रहे हो, हो सकता है तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हो। इतने ज्यादा पैसे हैं तो किसी गरीब को दान दे दो, कम से कम दुआ तो देंगे तुम्हें, ढाबे वाले ने अर्जुन की खिल्ली उड़ाते हुए कहा। लेकिन 5 रुपए में इतना खाना कैसे मिल सकता है? आपको नहीं लगता कि आपको इसमें घाटा होगा? अर्जुन ने पूछा। नहीं, इसमें घाटा कैसा? 5 रुपए कितने होते हैं तुम्हें मालूम भी है? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए तो ऐसे पागलों जैसी बातें कर रहे हो। तुम्हें अभी किसी डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहिए, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, ढाबे के मालिक ने फिर एक बार अर्जुन से कहा। ढाबे के मालिक की बातें सुनकर अगले ही पल अर्जुन वहां से वापस आ गया। अरे कमाल की बात है, हमारी दुनिया में तो इतनी महंगाई है लेकिन यहां तो चीजें इतनी सस्ती है। अब देखो 5 रुपए में भरपेट खाना मिल गया, अर्जुन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। अगले ही पल अर्जुन को कुछ याद आया। उसे इस वर्ल्ड का अर्जुन याद आया जो बिल्कुल उसी के जैसा दिखता है। यहां रियल वर्ल्ड में अर्जुन के माता पिता एक साइंटिस्ट थे, तो वहीं इस पैरेलल वर्ल्ड में अर्जुन के पिता एक छोटे से गैराज के मालिक है, तो वहीं उसकी मां देविका एक हाउसवाइफ है। और इस वर्ल्ड का अर्जुन एक सीधा साधा भोला भाला लड़का है जो पढ़ाई में काफी कमजोर है, जो आए दिन कभी अपने कॉलेज के प्रोफेसर से तो कभी घर आकर अपनी मम्मी पापा से डांट खाया करता है। अब अपनी दुनिया में वापसी कब होगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी हो मुझे लगता है मुझे यहीं आने वाला टाइम बिताना होगा, और वैसे भी टाइम मशीन तो अब टूट चुकी है भाई, अर्जुन ने अपने आप को समझाते हुए कहा, क्योंकि उसे अभी वापस अपने वर्ल्ड में जाने का कोई रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है।
एलियंस अचानक गायब होकर खुद को शहर के बीचों बीच पाते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। ये हम यहाँ कैसे आ गए और हमारा स्पेसशिप? लाइका ने चौंकते हुए कहा। इसका मतलब सुपर अर्जुन हमारे स्पेसशिप पर गिरा है, और वे लोग जो हमसे लड़ रहे थे वे सभी शैतान कहाँ हैं? रोमा ने पूछा। इसका मतलब अभी सुपर अर्जुन खतरे में, क्योंकि हम लोग अनजाने में ही सही लेकिन अपने स्पेसशिप से काफी दूर हो चुके हैं, लाइका ने टेंशन में आते हुए कहा। अगले पल रोमा ने फिर एक बार अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया, और अपनी सुपर पावर से रोमा ने देखा कि स्पेसशिप में अर्जुन नहीं है और उनके स्पेसशिप के भी टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। ओह, हमारी स्पेसशिप टूट चुकी है, या यूं कहो कि तोड़ दी गई है, रोमा ने कहा। और सुपर अर्जुन, उसका क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? लाइका ने फिर एक बार टेंशन में आकर पूछा। नहीं लाइका, सुपर अर्जुन भी वहां नहीं है, मुझे लगता है उसे कोई अपने साथ ले गया, रोमा ने कहा। रोमा के मुंह से ये बातें सुनकर लाइका दुखी हो गई। उसे अब अर्जुन के साथ बिताए गए वो दिन याद आने लगे, जब अर्जुन पास्ट में जाकर जनता की आवाज अखबार के ऑफिस में लाइका के साथ काम किया करता था, और उस वक्त लाइका लाइका न होकर एक लड़की के रूप में धरती पर यहां रहती थी, और तब उसका नाम मेघा था। आप ये क्या कह रहे हैं टीममेट? अर्जुन वानी है? इसका मतलब सुपर अर्जुन को डॉक्टर जूल हमारे स्पेसशिप से उठाकर ले गया। हम सुपर अर्जुन की रक्षा नहीं कर पाए टीममेट, अब पता नहीं डॉक्टर जूल क्या करेगा सुपर अर्जुन के साथ, लाइका ने रोते हुए कहा। देखो तुम चिंता मत करो लाइका, हम पूरी कोशिश करेंगे सुपर अर्जुन को बचाने की, रोमा ने लाइका को विश्वास दिलाते हुए कहा। नहीं नहीं टीममेट, अब जो होना था वो हो गया, लगता है अब हम अर्जुन को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि इस बार डॉक्टर जूल कमजोर नहीं है, उसके पास काफी सारी शैतान की शक्तियां हैं जो हमें उससे जीतने नहीं देगी, लाइका ने कहा। मैं मानता हूं लाइका कि डॉक्टर जूल अब पहले से भी काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके हम आसानी से हार नहीं मान सकते। और ये बातें तुम कर रही हो लाइका, जिसने न जाने कितनी बार मुसीबतों का सामना किया, तुम इस बार इस तरह से कमजोर नहीं पड़ सकती, रोमा ने लाइका से कहा। अर्जुन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है टीममेट, लेकिन इस बार सुपर अर्जुन की बेबसी ने मुझे अंदर से पूरी तरह कमजोर कर दिया, मैं ना चाहकर भी हिम्मत नहीं जुटा पाया, लाइका मायूस होते हुए बोली। लेकिन इस बात पर हिम्मत हार के भी तो कुछ नहीं होगा, अगर हमें अर्जुन को डॉक्टर जूल की कैद से आजाद करवाना है तो हमें उसके लिए हिम्मत जुटानी तो होगी, और साथ ही डॉक्टर जूल के खिलाफ कुछ ऐसी प्लानिंग भी करनी होगी जिससे हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं, रोमा ने फिर एक बार लाइका को विश्वास दिलाते हुए कहा। जवाब में लाइका ने रोमा की इस बात पर हामी भरी। वहीं दूसरी ओर अब रात से सुबह हो गई है, सुबह के तकरीबन 9 बजे पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन अपने घर से कॉलेज के लिए निकल रहा है, और उसके पिता देव अपने गैराज में काम करने के लिए निकल रहे हैं, तो वहीं अर्जुन की माँ देविका भी अर्जुन और देव के लिए नाश्ता बना रही। माँ जल्दी करो, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, अर्जुन ने एक तेज आवाज में अपनी माँ से कहा। अरे बेटा नाश्ता करके जा, मैंने नाश्ता बना दिया है, देविका ने कहा। देविका के ऐसा कहते ही अर्जुन नाश्ता करने के लिए बैठा, तभी इतने में उसके पिता भी वहां आ गए, अर्जुन के साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। अपने पिता को अपने सामने देख अर्जुन थोड़ा घबराया हुआ है, जिसका कारण आए दिन उसके पिता उसे बिना किसी चीज को लेकर बातें सुनाते रहते। अच्छा तो ये बता कि तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, देव ने अपने बेटे अर्जुन से पूछा। अच्छी चल रही है पापा, अर्जुन ने एक धीमी आवाज में जवाब दिया। कब तक झूठ बोलता रहेगा बेटा, मुझे बगल में शर्मा जी के लड़के रोहन ने सब कुछ सच सच बता दिया है, उसने बताया कि तू हर रोज क्लास में डांट खाता रहता है पढ़ाई को लेकर। बेटा अगर तुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है तो बता देना, खाली समय और पैसा वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, देव ने अर्जुन से कहा। अपने पिता के मुंह से ये बातें सुनकर अर्जुन का चेहरा लटक गया, और अगली पल वो खाना आधे में छोड़कर उठकर चला गया। अरे बेटा नाश्ता तो अच्छे से कर ले, अरे क्या हुआ तुझे, देविका ने पूछा। कुछ नहीं माँ, वो मुझे ज्यादा भूख नहीं है, मैंने जितना करना था कर लिया नाश्ता, ऐसा कहते ही अर्जुन घर से बाहर को आ गया। क्या करते हो जी आप, अच्छे से नाश्ता कर रहा था मेरा बेटा, कम से कम खाना तो ठीक से खाने देते उसे, देविका ने देव से कहा। उस दिन भूखा रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी, एक तो पढ़ाई लिखाई कुछ सही से करता नहीं, दूसरा आकर देखो जनाब के, अब नाश्ता नहीं करके गया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, देव ने कहा। वहीं दूसरी तरफ नाश्ता बीच में छोड़कर अर्जुन कॉलेज के लिए निकल पड़ा, और रास्ते में जाते जाते उसे अपने पिता की बातें याद आ रही है। अब मैं पढ़ाई लिखाई अच्छा नहीं हूं तो इसमें सारी गलती मेरी तो नहीं ना, और वैसे भी क्लास में सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छे थोड़ी होते हैं, हर स्टूडेंट का इंटरेस्ट अलग अलग फील्ड में होता है, लेकिन ये बात मेरे पापा को कहां समझ में आती है, उन्हें तो लगता है कि हर लड़का IAS IPS ही बने, परेशान होते हुए अर्जुन ने कहा। पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन अभी मोहल्ले से निकलते हुए मेन रोड की तरफ अपने हाथ में फोन पकड़े हुए जा रहा है, तभी अचानक उसके सामने से एक लड़का है, वो लड़का अर्जुन से टकरा जाता है। उस लड़के के अर्जुन से टकराते ही उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। सॉरी भाई, उस लड़के ने अर्जुन से कहा, फिर नीचे गिरा उसका फोन उठाकर अर्जुन को दे दिया। इट्स ओके, एक धीमी आवाज के साथ अर्जुन ने कहा, लेकिन फोन नीचे गिरने पर भी उस लड़के पर अर्जुन ने जरा भी गुस्सा नहीं किया, पर मन ही मन बड़बड़ाने लगा। आज तो पूरा दिन खराब जा रहा है, पहले पापा बेवजह मुझ पर बरस पड़े, अभी मेरा फोन भी मेरे हाथ से नीचे गिर गया, पता नहीं आज क्या होने वाला है मेरे साथ। वो लड़का जिसने अपने चेहरे को ब्लू कलर के कपड़े से ढका हुआ है और जिसने अपने सिर पर एक कैप पहनी हुई है, वो लड़का लगातार अर्जुन को घूरे जा रहा है, लेकिन अर्जुन ने बगैर उसकी ओर ज्यादा ध्यान दिए वहां से आगे बढ़ना ही बेहतर समझा, और वो आगे जाने लगा। रुक जाओ भाई, एक मोटी आवाज में वो लड़का बोला। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं, अर्जुन ने एक धीमी आवाज में पूछा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, उस लड़के ने जवाब दिया। बातें? कैसी जरूरी बातें? देखो अभी मुझे अपने कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, तुम्हें जो भी बोलना है साफ साफ बोलो, अर्जुन ने जल्दीबाजी में कहा। लेकिन मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है जो मैं यहां पर नहीं कर सकता, उस लड़के ने जवाब दिया।
उस लड़के की बात सुनकर पैरेलल वर्ल्ड वाला अर्जुन बुरी तरह से चौंक गया। ऐसी भी कैसी अर्जेंट बात करनी है आपको जो यहाँ पर नहीं कर सकते? पहले तो ये बताइए क्या आप मुझे जानते हैं, अर्जुन ने उस लड़के से पूछा। हाँ भाई अच्छी तरह, तुम्हारा नाम अर्जुन है ना, उस लड़के ने जवाब दिया। हाँ अर्जुन हूं मैं। अच्छा तो ये चेहरा क्यों ढक रखा आपने? अपने चेहरे से कपड़ा उतारो, तभी तो मैं आपको पहचान पाऊंगा, अर्जुन ने उस लड़के से कहा। देखो मुझे कुछ तुमसे जरूरी बातें करनी है, शायद तुम नहीं जानते कि मेरा ये बात करना तुमसे अभी कितना जरूरी है, इसलिए प्लीज यहां पर नहीं करें, कहीं और चलते हैं, उस लड़के ने अर्जुन से कहा। नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आ सकता, मुझे अभी अपने कॉलेज जाना है, मुझे कॉलेज जाने दो, अर्जुन ने फिर एक बार जवाब दिया। देखो तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, प्लीज मेरी बातों को समझो, चलो मेरे साथ, मुझ पर भरोसा रखो भाई, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, उस लड़के ने अर्जुन से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। एक तो पढ़ाई के नाम पर मुझे अपने पापा और स्कूल में प्रोफेसर से करनी पड़ती है, आज भी टाइम पर कॉलेज नहीं पहुंचा तो पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, अर्जुन ने बड़ी बेबसी के साथ कहा। अर्जुन को इस हाल में देख उस लड़के ने कहा, अरे तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा सिर्फ 5 मिनट ही लूंगा, ज्यादा नहीं, मेरी बात पर भरोसा करो भाई। ठीक है आप कह रहे हो कि आपको मुझसे कुछ अर्जेंट बात करनी है, इसलिए मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार, बोलो कहाँ जाना है, अर्जुन ने उस लड़के से पूछा। यहीं पास के होटल के कमरे में मैं ठहरा हुआ, तुम्हें उसके अंदर मेरे साथ आना होगा, उस लड़के ने अर्जुन से कहा। ठीक है, अर्जुन ने जवाब दिया। अगले ही पल अर्जुन उस लड़के के साथ होटल के उस रूम में आ गया जहां वो लड़का पिछली रात ठहरा हुआ था, और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अपना असली सुपर अर्जुन था। पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन को होटल के रूम के अंदर लाने के बाद वो लड़का रूम का डोर क्लोज कर देता है। डोर क्लोज करने के बाद वो लड़का 2 से 3 बार अच्छी तरह से होटल के रूम का डोर चेक करता है। मुझे ये डोर अच्छी तरह बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी को अगर मेरी सच्चाई का पता चल गया तो मेरे इस पैरेलल वर्ल्ड में आने का सीक्रेट सीक्रेट न रहकर यहां के लोगों के लिए हेडलाइन बन जाएगा, वो लड़का अपने मन में ऐसा सोच रहा है। अरे ये अनजान इंसान इस तरह बार बार होटल के रूम का डोर क्यों चेक करता है, कहीं मेरी जान आज किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ने वाली, पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन थोड़ा सहमते हुए खुद से मन ही मन कहता है। तो तुम कहीं आज मेरा मर्डर तो नहीं करने वाले हो, घबराए हुए मन से पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन रियल वर्ल्ड के अर्जुन से कहता है। अरे यार ये दूसरा अर्जुन मीना कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, मैं भला इसका मर्डर क्यों करूंगा, क्योंकि मैं भी तो वही हूं जो ये है, वैसे भी सुपर अर्जुन अच्छाई का रक्षक है ना कि आम आदमियों का दुश्मन, सुपर अर्जुन मन में ऐसा कहता है। बोलो तुम शांत क्यों, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, एक बार फिर पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन सुपर अर्जुन से पूछता है। देखो तुम फिक्र मत करो, मेरा तुम्हें हराने का ऐसा कोई इरादा नहीं है, प्लीज तुम ये बार बार मुझे देखकर डरो मत, मैं भी एक इंसान हूं तुम्हारे जैसा, सुपर अर्जुन कहता है। अच्छा अगर मेरी तरह एक आम इंसान हो तो अपना चेहरा क्यों ढककर रखते हो, क्यों नहीं हटा देते अपने चेहरे से ये कपड़ा, पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन पूछता है। इस चेहरे के पीछे बहुत से राज हैं भाई, बहुत से ऐसे सच हैं जिन्हें मैं नहीं चाहता कि सभी लोग जाने, इसलिए मैंने अपने चेहरे पर पर्दा लगा रखा है, सुपर अर्जुन पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन से कहता है। इसके बाद सुपर अर्जुन रूम की सभी विंडोज पर पर्दा लगा देता है। अरे ये क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, हमेशा परेशान रहने वाला पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन सोच रहा है। अच्छा तो अब समय आ गया कि मैं तुम्हें अपनी सच्चाई दिखा दूं, रूम की लाइट्स ऑन करते हुए सुपर अर्जुन कहता है। इसके बाद अर्जुन अपने चेहरे पर लगे कपड़े को हटा देता है। सुपर अर्जुन का चेहरा देखने के बाद पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन पूरी तरह हैरान हो गया, उसका खुला मुंह ये साफ जाहिर कर रहा है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। अरे भाई कौन कौन हो तुम, और तुम तो बिल्कुल मेरी तरह लग रहे हो, मेरा तो कोई जुड़वा भाई भी नहीं है, तो तुम मेरी तरह कैसे हो, एक के बाद एक बहुत से सवाल पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन सुपर अर्जुन से करता है। मैं दूसरी दुनिया से आया हूं, रियल वर्ल्ड से, अर्जुन ने जवाब दिया, जिसे सुन दूसरा अर्जुन 2 कदम पीछे हट गया। क्या दूसरी दुनिया रियल वर्ल्ड, इसके बारे में तो सिर्फ कहानियों में सुना था, ये रियल में भी होता है क्या, सच बताओ कौन हो तुम, कहीं तुम मुझे अपनी बातों से गुमराह तो नहीं कर रहे हो, पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन घबराते हुए कहता है। मैं वाकई में रियल वर्ल्ड से आया हूं, मैं टाइम मशीन के जरिए जाना कहीं और चाहता था लेकिन अपनी बदकिस्मती से यहां आ पहुंचा। इसके बाद रियल वर्ल्ड का अर्जुन एक एक करके सारी बातें पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन को बता देता है। अच्छा तो तुम एक सुपर हीरो सुपर अर्जुन जो यहां अपनी मर्जी से नहीं आया बल्कि टाइम मशीन में खराबी के कारण आया, वैसे मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई, पहले तो थोड़ा डर लगा पर अब खुशी हुई है, पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन रियल वर्ल्ड के अर्जुन से कहता है। मगर ये मेरा राज तुम किसी को भी मत बताना, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरा राज किसी को भी नहीं बताओगे, अर्जुन ने रिक्वेस्ट करते हुए पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन से कहा। मैं तुमसे वादा करता हूं सुपर अर्जुन कि तुम्हारा ये राज बस एक राज ही रहेगा, पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन सुपर अर्जुन से कहता है। अच्छा ठीक है, वैसे तुम कहां जा रहे थे, कॉलेज क्या, रियल वर्ल्ड का अर्जुन पूछता है। हां जा तो रहा था पर तुम मुझे यहां ले आए, पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन जवाब देता है। अब कोई बात नहीं, आज मैं चले जाता हूं तुम्हारी जगह, देखना आज तुम्हारी इमेज बना दूंगा, ऐसा कहकर रियल वर्ल्ड का अर्जुन पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन के हाथ में 15 रुपए दे देता है। तुम आज यहीं रूम पर आराम करो, मैं चला कॉलेज, इन रुपयों से तुम अपनी मर्जी से कुछ खाना भी खा लेना। आज सीधे साधे भोले भाले पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन की जगह रियल वर्ल्ड का अर्जुन उसकी जगह कॉलेज पहुंचा है। यहां पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन अपनी नजरें नीचे झुकाए हुए हर रोज कॉलेज को जाता है, तो वहीं हमारा अर्जुन सीना तान के अपनी नजरें ऊपर किए हुए कॉलेज जा रहा है। आज मुझे एकदम कॉन्फिडेंस दिखाकर बात करनी होगी, इस दुनिया के अर्जुन को ऐसे कमजोर नहीं बनाकर छोड़ सकता ना, अर्जुन ने मन ही मन निश्चय करते हुए कहा। अर्जुन अपनी धुन में चले जा रहा है, ना तो किसी का खौफ है और ना ही वो बाकी दिनों की तरह पैरेलल यूनिवर्स के अर्जुन के जैसा डरा हुआ है, जहां सभी स्टूडेंट उसे बड़े गौर से दिख रहे हैं। तभी उसे अपने सामने से एक लड़का आता हुआ दिखाई देता है,
जो सीधा उसकी ओर आ रहा है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि विकी है, जिसे देख अर्जुन पूरी तरह हैरान हो चुका है। अरे अर्जुन आ गया तुम यार, आज तुमने इतनी लेट क्यों कर दी? तुझे पता है प्रोफेसर रस्तोगी ने पहली क्लास ले भी ली और तू है क्या बार है, विकी ने अर्जुन से कहा। लेकिन विकी की बातों का अर्जुन ने कोई भी जवाब नहीं दिया, वो बस उसे घूरता ही रहा। अरे क्या हुआ तुझे, तू तो मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मुझे मार ही डालेगा। भाई मैं तेरा दोस्त विकी हूं, तेरा दुश्मन नहीं जो तू मुझे इस तरह देख रहा है, विकी ने अर्जुन से चौंकते हुए कहा। विकी की ये बातें सुनकर अर्जुन समझ गया कि इस पैरेलल वर्ल्ड में विकी उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका दोस्त है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो विकी अर्जुन का दुश्मन हुआ करता था, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। अरे कुछ नहीं यार, मैं आज थोड़ा रास्ते में कहीं किसी काम में फंस गया था इसलिए लेट हो गया, अर्जुन ने जवाब दिया। बस इतनी सी बात कहने के लिए तूने इतना टाइम लगा दिया, तू भी ना पागल है, विकी ने पूछा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे सिर में थोड़ा दर्द था इसलिए मैंने अभी कुछ नहीं कहा, अर्जुन ने झूठा जवाब दिया। साथ ही वो अंदर ही अंदर एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि अब आगे क्या होगा इस दुनिया में। चल ठीक है, अभी 15 मिनट में प्रोफेसर श्रीनिवासन की क्लास है, दोनों मिलकर अटेंड करेंगे, जल्दी चल, विकी ने कहा। विकी के मुंह से प्रोफेसर श्रीनिवासन का नाम सुनकर अर्जुन चौंक उठा। अगले ही पल उसकी आंखों में श्रीनिवासन को लेकर गुस्सा आने लगा। विकी की नजर अर्जुन की आंखों पर पड़ी जो कि अब लाल होती जा रही। अरे क्या हुआ तुझे, प्रोफेसर श्रीनिवासन का नाम सुनते ही तेरी आंखें लाल क्यों होने लगी? अरे उन्होंने क्या बिगाड़ा तेरा? मुझे लगता है सच में तेरी तबीयत बहुत खराब है भाई, तू ऐसा कर चल अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास, विकी अर्जुन से कहता है। नहीं नहीं विकी ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, अर्जुन ने एक धीमी आवाज में कहा। आज विकी को अर्जुन कुछ बदला बदला नजर आ रहा है, और वो भी क्योंकि आज जो विकी के सामने खड़ा है वो अलग यूनिवर्स से आया हुआ अर्जुन, जो आज कॉलेज स्पैरल वर्ल्ड के अर्जुन की जगह है। विकी और अर्जुन आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, तभी अचानक सामने से तीन और लड़के आ जाते हैं जिनमें अर्जुन के रियल वर्ल्ड के दोस्त मुकेश और कार्तिक है, साथ में एक लड़का अजय है। मुकेश और कार्तिक जो रियल वर्ल्ड में अर्जुन के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन इस वर्ल्ड में ये उसके दोस्त हैं या नहीं ये आगे पता चल जाएगा। अगले ही पल मुकेश कार्तिक और अजय विकी और अर्जुन के करीब आए, जिन्हें देखकर विकी पीछे की ओर जाने लगा, तो वहीं अर्जुन उन्हें देखकर खुश हो गया। लेकिन मुकेश और कार्तिक का मिजाज अर्जुन के लिए वैसा नहीं है जैसा अर्जुन का इनके लिए है। क्यों बे क्या देख रहा है आंखें फाड़ के, इससे पहले कभी नहीं देखा क्या मैं, कार्तिक ने एक तेज आवाज में अर्जुन से कहा। अरे देखा तो इसे, कल तक हमें देखकर इसकी पैंट गीली हो जाया करती थी और आज हमारे सामने चौड़ा होकर खड़ा है, मुकेश ने कहा। लगता है इसे बताना ही पड़ेगा कि हम इसके बाप हैं, शायद तब जाकर इसे याद आएगा, अजय ने हंसते हुए कहा। इन तीनों की ये बातें सुनकर अर्जुन समझ गया कि ये तीनों इस वर्ल्ड में उनके दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है, जो आए दिन अर्जुन को धमकाते डराते रहते हैं। देखो मुकेश और कार्तिक, मैं तुम दोनों को अपना दोस्त जैसा समझता हूँ, इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग दोस्त बनकर रह सकते हैं, अर्जुन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा। पर अर्जुन की बात सुनते ही वो सारे हंस पड़े। दोस्त वो भी तेरा, तू जैसा डरपोक के दोस्त हम लोग कभी नहीं हो सकते, वैसे भी दोस्ती बराबर वालों से होती है, और तू अभी हमारी बराबरी तक पहुंचा है बच्चू, जब पहुंच जाएगा तब बात करना, मुकेश और कार्तिक ने एक साथ अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहा। अगले पल अर्जुन वहां से जाने लगा, इतने पीछे से कार्तिक ने अर्जुन का आवाज दी। अबे रुक जा, अभी कहां चले जनाब, अभी हमने आपसे जाने को कहा है क्या? जब तक जाने को नहीं बोला जाए तब तक खड़े रह, समझ में? अभी कुछ देर बाद मेरी क्लास लगने वाली है इसलिए तुम दोनों मुझे जाने दो, अर्जुन ने थोड़ा नरम होकर कहा, मगर मुकेश और उसके दोस्त आज अलग ही मूड में आए थे। अरे क्लास तो हम तेरी लगाएंगे बेटा, जल्दी से हमें सल्यूट मारो और पास में जितने पैसे हैं आधे हमें दे दे, अजय बोला, जिसे सुनकर विकी दो कदम पीछे हट गया और अर्जुन चौंक पड़ा। नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि तुम लोग जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, अर्जुन ने जवाब दिया। तेरी जुबान कैंची की तरह चल रही आज, चल हमें सल्यूट मार वरना, मुकेश अर्जुन को धमकी देते हुए कहता है। वरना वरना क्या, अर्जुन ने भी मुकेश को आंखें दिखाते हुए कहा। लेकिन इतने में अर्जुन का दोस्त विकी उसे बोला, अरे भाई आज क्या हो गया तुझे, और क्या कर रहा है तू, जैसे ये कहते हैं वैसा कर वरना गजब हो जाएगा, और तू तो जानता है ना ये लोग कितने खतरनाक हैं। नहीं विकी मैं आज इनकी बात नहीं मानने वाला, फिर चाहे कुछ भी हो जाए मुझे परवाह नहीं, अर्जुन ने फिर एक बार मुकेश और कार्तिक को आंख दिखाते हुए कहा। इसके बाद अर्जुन ने खुद मन ही मन कहा, मैं ये सब अपने कॉलेज में झेल चुका विकी, पर अब मैं नहीं चाहता कि इस दुनिया का अर्जुन भी हर दिन ये सब झेले, इसलिए आज मैं इनको सबक सिखा कर ही रहूंगा। अभी अर्जुन ये सब मन ही मन सोच रहा है, तो वहीं आज अर्जुन के इस बदले बर्ताव को देखकर कार्तिक और मुकेश के साथ उसका दोस्त विकी भी हैरान है, क्योंकि कल तक जो लड़का डरपोक था वो आज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सीना तान के मुकेश और कार्तिक के सामने खड़ा है, जो पूरे कॉलेज के दादा है, जिनसे पंगा लेने की भूल कॉलेज में कोई नहीं करता, अगर किसी ने भी गलती से कार्तिक मुकेश और अजय से पंगा लिया तो उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। अर्जुन की अकड़ देखकर कार्तिक अर्जुन के पास आया, उसने अर्जुन का कॉलर पकड़ते हुए कहा, बहुत हीरो बनने का शौक चल गया है। कार्तिक ने अभी इतना कहा ही था तभी अर्जुन ने कार्तिक को धक्का देते हुए कहा, अरे चल हट यहां से और अपनी हद में रख, वही तेरे लिए अच्छा होगा। तभी इतने में कार्तिक ने अपना पंच उठाया, अर्जुन को पंच मारने ही वाला था कि तभी अर्जुन ने अपने दाहिने हाथ से पंच को रोका और अपना बाया पंच कार्तिक की फेस पर चढ़ दिया। अर्जुन के जोरदार पंच से कार्तिक धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। मुकेश अजय और अर्जुन का दोस्त विकी की आंखें ये सब देखकर फटी की फटी रहेगी, क्योंकि जो अर्जुन कल तक एक सीधा साधा लड़का हुआ करता था, जो आंख उठाकर भी किसी को नहीं देखता था, लेकिन वही डरपोक सा अर्जुन आज इतना कैसे बदल गया, ये सोचकर सभी हैरान हो चुके थे। अर्जुन के इस बदले रूप को देखने के लिए देखते ही देखते वहां पर कॉलेज के बाकी स्टूडेंट भी जमा हो गए और सभी स्टूडेंट अर्जुन को बड़े गौर से देखने लगे।
कार्तिक की हालत देख अब मुकेश और अजय भी अर्जुन की ओर से मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन चंद ही पलों में अर्जुन ने मुकेश और अजय को भी सबक सिखा दिया। वैसे तो अर्जुन को भी एक दो पंच पड़ा जिसके कारण उसके होंठ कट गए, फिर भी आज अर्जुन हार नहीं मान रहा था और हर दूसरे पल अर्जुन जमीन से उठकर इन लोगों का सामना कर रहा था। कार्तिक मुकेश और अजय को मार खाता देख बाकी साथी भी वहां पहुंचे और अर्जुन को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अर्जुन ने बड़ी ही बहादुरी के साथ उन सभी की जमकर धुलाई कर दी। बेशक अर्जुन के पास अभी उसकी सुपर पावर नहीं, लेकिन बावजूद उसके उसने इतने सारे लोगों को आज अकेले ही धूल चटा दी है, जिसका कारण उसका पहले सुपर हीरो होना है। अर्जुन ने पहले बड़े से बड़े खतरों का बड़ी ही बहादुरी और अकलमंदी से सामना किया है, इसीलिए अभी एक आम इंसान होने के बावजूद भी अर्जुन इतने सारे लोगों को अकेले मार चुका है। तकरीबन 5 मिनट बाद लड़खड़ाते हुए सभी लड़के उठ खड़े होते हैं, जिसमें सबसे आगे कार्तिक और मुकेश है। ये सभी लोग अर्जुन को बड़े गौर से दिख रहे हैं। क्यों, यकीन नहीं आ रहा ना कि कल तक जो अर्जुन ठीक से बात भी नहीं कर पाता था, उसने आज उनकी ऐसी हालत कैसे कर दी? अर्जुन ने हंसते हुए कहा। तुझे तो हम फिर देख लेंगे, कार्तिक अर्जुन को आंखें दिखाते हुए बोला और अगले ही पल वे सभी वहां से चले गए। तो वहीं अब दूसरी ओर सभी कॉलेज के स्टूडेंट अर्जुन को बड़े गौर से देखने लगे, क्योंकि अब सभी स्टूडेंट की नजर में अर्जुन डरपोक से एक बहादुर लड़का बन गया। यहां पर कोई मदारी का खेल तो नहीं चल रहा ना, चलो तुम सब अपनी अपनी क्लास जाओ, विकी ने एक तेज आवाज में बाकी स्टूडेंट से कहा। विकी कैसे कहते ही सभी स्टूडेंट्स वहां से जाने लगे। अर्जुन को लगता देख उसके अंदर भी हिम्मत आ गई थी। अरे यार, आज तो तूने कमाल ही कर दिया, मुझे तो सच में अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा है कि ये सब तूने किया। तू सच में भाई अर्जुन ही है ना कि कोई और है? विकी ने एक मजाकिया अंदाज में अर्जुन से कहा। तुम्हें कोई शक है क्या यार? मैं तेरा दोस्त अर्जुन ही हूँ और कोई नहीं, अर्जुन ने जवाब दिया। अच्छा चल ठीक है, बाकी बातें बाद में तो होती रहेगी, पहले क्लास जाकर देखें। आई थिंक अब हमारी क्लास का टाइम हो गया है, विकी ने अर्जुन से कहा। हाँ ठीक है चलते हैं, अर्जुन ने कहा और अगले ही पल अर्जुन विकी के साथ क्लास चला गया जो प्रोफेसर श्रीनिवासन लेने वाला था। अर्जुन विकी के साथ प्रोफेसर श्रीनिवासन की क्लास करने क्लास में बैठ चुका है, लेकिन अभी भी प्रोफेसर श्रीनिवासन क्लास में नहीं पहुंचा है। कुछ देर तक अर्जुन और विकी आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, तभी क्लास में किसी की एंट्री होती है जो कि एक लड़की है, और यह लड़की कोई और नहीं बल्कि काम्या ही है, जिसे रियल वर्ल्ड में अर्जुन प्यार करता है, लेकिन इस वर्ल्ड में काम्या का कैरेक्टर कैसा है इस बात से अभी भी अर्जुन अनजान है। काम्या क्लासरूम के दरवाजे से अंदर आती है, वैसे ही अर्जुन की नजर उस पर पड़ती है और अर्जुन उसे मुस्कुराते हुए लेकिन थोड़ा हैरानी से देखने लगता है। काम्या अर्जुन के ठीक आगे वाली बेंच में अपनी फ्रेंड शालिनी के साथ बैठ जाती है, लेकिन थोड़ी देर में वो एक नजर पीछे की ओर देखती है। अर्जुन को देखकर हाय बोलती है, जवाब में अर्जुन भी थोड़ी देर रुककर काम्या से हाय बोलता है। इतने में क्लास में प्रोफेसर श्रीनिवासन की एंट्री होती है, जिसे देखकर अर्जुन पूरी तरह हैरान हो जाता है, क्योंकि प्रोफेसर श्रीनिवासन ही वो शख्स है जो रियल वर्ल्ड में अर्जुन का दुश्मन था, और इसी प्रोफेसर श्रीनिवासन के कारण अर्जुन को कई बार काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। खैर, श्रीनिवासन क्लास में आता है और सभी स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू करता है। स्टूडेंट को पढ़ाते पढ़ाते उसका ध्यान अर्जुन की ओर जाता है, जो अभी भी उसे बड़ी हैरानी के साथ देख रहा है। अर्जुन ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अरे इतने गौर से क्या देख रहे हो मुझे? पहले कभी नहीं दिखाया क्या? श्रीनिवासन अर्जुन से एक मजाकिया अंदाज में कहता है। इसका मतलब तुम मेरी क्लास बड़े ध्यान से पढ़ रहे थे और ये हुआ कि तुम्हें वो सब पता है जो मैंने अभी अभी पढ़ा है? श्रीनिवासन ने अर्जुन से पूछा। श्रीनिवासन की इस बात का अर्जुन ने कोई भी जवाब नहीं दिया। सर, आप ये किससे पूछ रहे हैं? ये तो 0/0 है, ये क्या इसका आंसर देगा? क्लास के बाकी स्टूडेंट्स अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं। शट अप, मैं मानता हूं कि अर्जुन पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं है, क्या तुम लोग उसके साथ ऐसा बिहेव करोगे? अगर आइंदा से किसी भी स्टूडेंट ने मेरी क्लास में अर्जुन के बारे में ऐसी बातें की तो मैं उसे क्लास से बाहर निकाल दूंगा, श्रीनिवासन ने एक तेज आवाज में सभी स्टूडेंट्स को डांटते हुए कहा। प्रोफेसर श्रीनिवासन का बर्ताव मुझे थोड़ा बदला हुआ नजर आता है। अरे मैं तो भूल ही गया कि मैं रियल वर्ल्ड में नहीं हूं बल्कि पैरेलल यूनिवर्स में जी रहा हूं। यहां हमारे वर्ल्ड से बहुत अलग ही चीजें होती है, इसका मतलब यहां प्रोफेसर श्रीनिवासन एक अच्छा इंसान होगा, और शायद ना भी हो, अर्जुन ने थोड़ा सोचते हुए मन ही मन कहा। क्या सोच रहे हो अर्जुन, ध्यान कहां है तुम्हारा? उठो, अपनी जगह से उठ जाओ और बताओ इसके बारे में। इतने में श्रीनिवासन ने सवाल किया। किस बारे में सर? अर्जुन ने जवाबी सवाल किया। अर्जुन के इस सवाल से क्लास के बाकी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगे। ओहो, इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारा ध्यान क्लास में नहीं है, अब तो तुम्हें ही समझाना पड़ेगा ब्लैक होल के बारे में। चलो आओ, आगे आ जाओ और आगे आकर सभी को समझाओ, प्रोफेसर श्रीनिवासन ने अर्जुन से कहा। अगले ही पल अर्जुन आगे ब्लैक बोर्ड में ब्लैक होल के बारे में बताने के लिए गया और काफी देर तक खामोश रहा। भाई, हो भी पाएगा या नहीं? कहते हुए क्लास का एक लड़का हंसने लगा, जिसके साथ ही पूरी क्लास हंस पड़ी। सभी को ऐसे हंसता देख अर्जुन ने मन में कहा, नहीं अर्जुन, आज इन्हें बता दे अपना मजाक, और इस दुनिया का अर्जुन का मजाक मत बनने दे। क्या अर्जुन कुछ कमाल दिखा पाएगा या खुद का मजाक बनने देगा?